हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम हमारे घर में पड़े छोटे छोटे कांच के कंटेनर्स, प्लास्टिक के डिब्बे, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को रीयूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम हमारे घर में पड़ी पुरानी चीजों को रिनोवेट कर सकते हैं और हमारे घर को ऑर्गेनाइज और डेकोरेट करने के लिए उसकी मदद ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सारिका, मेरे चैनल होम एंड किचन विद सारिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस तरीके के कांच के कंटेनर अक्सर हमारे घर में होते ही है। अगर इनकी लीड टूट गई है तो इन कंटेनर्स को आप अलग तरीके से यूज भी कर सकते हो। इसमें हम चावल और दाल का एक लेयर दे देंगे, जिसकी वजह से हम इसके अंदर हमारे किचन में काम आने वाले नाइफ और सीजर्स को टक करके रख सकते हैं। इस तरीके से ये एक ऑर्गेनाइजर की तरह काम करेगा और दिखने में भी सुंदर लगेगा। आप इस दाल चावल को बाद में यूज भी कर सकते हो। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरे घर में ये पुराना बड़ा सा फ्लावर पॉट था, जिसके अंदर जो फ्लावर के बंचेस है वो काफी पुराने हो गए थे और इसके लिए मैंने इसे बदल दिया है एक दूसरे फ्लावर स्टिक के साथ। अब जो ये बंचेस है उनको मैं रखने वाली हूँ छोटे वाले फ्लावर पॉट, लेकिन ये फ्लावर के बंचेस इन फ्लावर पॉट के लिए सुटेबल नहीं है। ये काफी बड़े हो रहे हैं और उसकी वजह से बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मुझे या तो बड़ा फ्लावर पॉट लेना पड़ेगा इन बंचेस को रखने के लिए, या फिर इनको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं इन बंचेस को ही रीयूज करने वाली हूँ। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इनके जो स्टेम्स हैं उनको अलग कर रही हूँ। कटर की हेल्प से मैंने इनको कट कर दिया है और इसकी वजह से इनकी साइज जो है थोड़ी छोटी हो गई है। अब मैं रबर बैंड की हेल्प से इनके बंचेस बना दूंगी ताकि मैं इन्हें आसानी से फ्लावर पॉट के अंदर रख सकती हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के हम उन्हीं चीज़ों को रीयूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो यही आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है और भी आगे बहुत सारे आइडियाज़ हैं। देखते रहिए इस वीडियो को टिल एंड तक और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड टडन, ये हो गया है मेरे फ्लावर पॉट रेडी। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इस तरीके के छोटे छोटे शोपीस हम घर में रखते हैं। मेरे पास ही छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू था जो सिल्वर कलर का था, लेकिन उसका कोटिंग थोड़ा सा डल हो गया था। तो मैंने सोचा चलो इसको एक नया लुक दे देते हैं। मैंने इस स्टैचू को थोड़ा सा कलर कर दिया है, गोल्डन कलर का मेटल कलर यूज किया है और दूसरे फैब्रिक कलर का जो मेरे पास थे उनका यूज करके इस स्टैचू को एक नया लुक दिया है। अब ये बहुत ही सुंदर लगता है। अगर इस टाइप के चिप्स के प्लास्टिक के बॉक्सेस अगर आपके पास है जिनका लिड इनके साथ अटैच होता है, तो इनका एक बहुत ही बढ़िया रीयूज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो हम कभी कभार यूज़ करते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पर बैटरीज और ट्रिमर्स को इस बॉक्स के अंदर रख रही हूँ ताकि इकट्ठा ही ये सब एक ही जगह पे मुझे जब चाहे वो मिल जाएंगे और मुझे हर चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अब ये छोटा वाला जो ट्रिमर है उसका सेल अगर मुझे रिप्लेस करना है तो वो भी मुझे वहीं पर अवेलेबल हो जाएगा और तुरंत मैं उसको सेल रिप्लेस कर सकती हूँ। यूज़ होने के बाद मैं सेल निकाल कर भी इस बॉक्स में उसका रख सकती हूँ और धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी, बहुत अच्छे से रहेगी। ट्रांसपेरेंट होने के कारण बॉक्स में हमें हमेशा पता रहेगा कि हमने इस चीज़ को कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि ट्रिमर या ऐसी जो चीज़ें होती है जो रोज़ नहीं लगती है, कभी कभार लगती है हफ्ते में, महीने में एक बार। तो इन चीज़ों को हम इस टाइप के प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बल्ब रखा हुआ है जिसके कारण ये बहुत सेफली इसके अंदर रहेगा और धूल भी नहीं लगेगी। अगर आपके पास इस टाइप के प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं जिनके लिड खराब हो गए हैं या फिर आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हो,
तो आप इनको रीयूज़ कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। अपने बाथ सोप रखने के लिए इस टाइप का एक कंटेनर में हमेशा यूज़ या फिर करती बहुत हूँ। सारी ऐसी बाथरूम एक्सेसरीज होती है जो हम एक साथ इकट्ठा स्टॉक करके रखते हैं, तो उनको सेग्रीगेट करके रखने के लिए हम इस टाइप के प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। लीड हो तो भी चलेगा और नहीं है तो भी हम वैसे भी उनको रख सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से इन कंटेनर्स का यूज़ करती हूँ। जो स्क्रबर्स बर्तन मांजने के लिए हम यूज़ करते हैं उन सबको, और उसके साथ डिश बार को या पीताम्बरी जो पाउडर हम यूज़ करते हैं अक्सर, तो इन सभी चीज़ों को जो हम बर्तन मांजने के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम इकट्ठा ही एक प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट कंटेनर में इस तरीके से रख सकते हैं। तो हमें पता रहेगा कि हमें जब ये चीज़ की ज़रूरत है तो वो कहाँ पर मिलेगी। ये हमें हमारे दिमाग में हमेशा बिठा रहेगा, इसके लिए हमें दूसरी जगह पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास इस टाइप का एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का बॉक्स है तो ज़रूर उसका भी यूटिलाइज करें। आप उसको इस तरीके से कट कर दीजिए और बॉटम को उसको सेलो टेप लगाकर अच्छे से सिक्योर कर दीजिए। दोनों कॉर्नर को भी कट कर दीजिए और ये बॉक्स कुछ इस तरीके से लगेगा। ये मेरा आम का बॉक्स है लास्ट ईयर का, तो इसको मैंने इस तरीके से कवर कर दिया है। आपके पास जो पेपर अवेलेबल होगा तो आप उसे इस तरीके से इसे लगा दीजिए और सारे अपने बाथरूम एक्सेसरीज को आप इस तरीके से इस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने विदाउट लिड इन कंटेनर्स को रखा हुआ है ताकि मैं इजीली इनको यूज़ कर सकती हूँ। जैसे इसमें मैंने डिटर्जेंट पाउडर रखी हुई है। सो इस वाले प्लास्टिक कंटेनर में मैंने अपने एयर फ्रेशनर सैनी क्यूब्स रखे हुए हैं, दूसरे वाले में बाथ सोप रखे हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपने सारे लॉन्ड्री एसेंशियल्स को एक ही जगह पे इकट्ठा रख सकते हैं। इसे आप इस इजीली एक्सेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लीड भी नहीं लगाया हुआ है ताकि मैं इजीली इनको निकाल सकती हूँ जब चाहूँ, और बहुत कम जगह में ये आ जाते हैं। एक ही बॉक्स में सारी चीज़ें आप रखोगे तो आपको पता रहेगा और आपने इन चीज़ों को कहाँ रखा है। अगर आपके पास इस तरीके की मेडिसिन की खाली शीशियाँ है, कांच की बोतल्स है, तो उनको आप अपने हेयर क्लिप्स रखने के लिए ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से हेयर क्लिप ऑर्गेनाइज रहते हैं, आपको दिखते हैं। जब आप चाहो तो आप इजीली आपको वो मिल जाते हैं। ये टूथपिक का एक छोटा सा डिब्बा मेरे पास खाली पड़ा था तो उसमें मैंने सारे टिकटॉक्स क्लिप रख दिए है। अगर आपके पास ये नहीं है और हाजमोला की कांच की बोतल होती है ना, तो उसके अंदर भी आप इस तरीके से टिकटॉक के क्लिप्स रख सकते हो। सो ये आपके जो उनको रस्ट भी नहीं लगेगा और अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज रह जाएगी, और ट्रांसपेरेंट होने के कारण हमें दिखाई देता है और इजीली हम इसे एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ज़रूर इस आइडिया को भी ट्राई करके देखिएगा। अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपके पास इस टाइप का चॉकलेट का बॉक्स है तो उसके अंदर आप इस तरीके से सारे अपने नेल पेंट रिमूवर्स, इनकी जो बॉटल्स होती है उनको ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है, दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मैं हमेशा चीज़ों को अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी कुछ इससे आइडिया मिल जाए। अगर आपके पास इस टाइप के खाली कार्डबोर्ड के बॉक्सेस हैं तो इन बॉक्सेस को भी हम बहुत अच्छे से रीयूज कर सकते हैं। बहुत सारी हमारे घर में डेलिकेट चीज़ें होती है, कांच की चीज़ें होती है, तो उनको रखने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो कांच वाला सपोर्टिंग रहता है उसके साथ वो वाला दिया रखा हुआ है। इससे क्या होता है, इसमें चीज़ें जो है काफ़ी सेफली रहती है। आप चाहो तो उसके ऊपर टैग कर सकते हो ताकि आपको पता रहेगा कि इसमें हमने क्या रखा है। तो सारी जो कांच की या डेलिकेट चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पर मैंने दिवाली में यूज़ होने वाले बल्ब रखे हुए हैं, तो इसे थोड़ा सा आपको सेफ रखने के लिए बबल रैप वगैरह रख सकते हैं आप। Thank you.
और यहाँ पर मैंने तोरण रखा हुआ है जो दरवाजे पे हैंगिंग तोरण रहते हैं। मेरा आज का ये वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इन सब हैक में से आपको कौन सा हैक पसंद आया, और अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और होम एंड किचन विद सारिका को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मैं सारिका आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।